विराट कोहली के बेंगलुरु पहुंचते ही आरसीबी को एक साथ मिली हैं तीन सबसे बड़ी खुशखबरियां। पूरी टीम में छाई खुशी की लहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से आरसीबी के लिए तीन बड़ी खुशखबरियां निकल कर आई हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी कि वो पहला मुकाबला जीते, वहीं आरसीबी चाहेगी कि वो पहला मुकाबला जीते। लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में आरसीबी के लिए इस मुकाबले से पहले तीन बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। अब जहां 22 मार्च से आईपीएल की स्टार्टिंग होने वाली है, वहीं दोस्तों आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले ही ये कुछ खुशखबरियां जो मिली हैं, इससे आरसीबी की टीम बेहद ही खुश नजर आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खुशखबरी की बात करें तो ये खुशखबरी है आरसीबी की विमेंस टीम के फाइनल जीतने की। जी हां दोस्तों, अब तक आरसीबी को लेकर ट्रोल किया जा रहा था कि आरसीबी कोई भी टाइटल नहीं जीती है, यहां पर दोस्तों कोई ट्रॉफी जीतने में आरसीबी कामयाब नहीं हुई है। लेकिन फाइनली विमेंस टीम ने ये कर दिखाया और विमेंस टीम ने यहां पर आईपीएल जीतकर आरसीबी को ट्रोल होने से बचा लिया, क्योंकि आरसीबी के फाइनल में पहुंचने के बाद लोग बोल रहे थे कि क्या इस बार भी आरसीबी फाइनल जीत पाएगी या फिर नहीं। और आरसीबी के विमेंस टीम के फाइनल जीतने से मेंस टीम में भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है, जिससे अब इस आईपीएल 2024 में आरसीबी काफी कुछ कमाल कर सकती है। वही बात करें दोस्तों अगली खुशखबरी की, तो खुशखबरी निकल कर आ रही है विराट कोहली से रिलेटेड। दरअसल दोस्तों विराट कोहली इस समय यहां पर पूरी तरीके से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने से खुशखबरी ये बात की है दोस्तों कि विराट कोहली अब तक लगातार क्रिकेट से इनएक्टिव थे, लेकिन अब विराट कोहली जैसे ही बेंगलुरु पहुंचे हो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और अब हर मैच में वो स्कोर करने का ट्राई करेंगे। जिस तरीके से वो यहां पर अपने बच्चे के जन्म के लिए विदेश चले गए थे और वो किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तब एक सवाल था कि क्या वो आईपीएल खेलेंगे या उसे भी मिस कर देंगे। लेकिन बेंगलुरु पहुंच के उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया है कि आईपीएल 2024 की जिस तरीके की तैयारियां उनके फैंस कर रहे हैं, उसी तरीके की तैयारी इस समय आरसीबी के कप्तान पूर्व कप्तान विराट कोहली भी कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों विराट कोहली के पहुंच जाने से आरसीबी मैनेजमेंट और आरसीबी फैंस में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। मैं बात करूं दोस्तों तीसरी खुशखबरी की, तो ये खुशखबरी आरसीबी को पहला आईपीएल का मुकाबला जीतने में कामयाबी दे पाएगी। दरअसल दोस्तों पहला आईपीएल मुकाबला जो कि मैंने बताया 22 मार्च को होगा, उस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स सामने होगी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कई बड़े बड़े खिलाड़ी पहले मैच से पहले ही चोटिल होते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से इनके खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे हैं, ये चीजें आरसीबी को काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। बेनिफिट इसलिए क्योंकि दोस्तों आरसीबी चाहेगी कि यहां पर इनके मेन खिलाड़ी जो चोटिल ही रहे, जिससे आरसीबी पहला ही मुकाबले में आसानी से यहां पर इनको हरा पाए। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि क्या आरसीबी को इस बात का फायदा हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि आरसीबी की टीम को भी पता है कि अगर खिलाड़ी चोटिल होंगे तो कई खिलाड़ी रिप्लेसमेंट भी आ जाएंगे, पर अभी के लिए दोस्तों चेन्नई के बड़े बड़े प्लेयर्स चोटिल हैं, जो कि इनके लिए बड़ी खुशखबरी। अब आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।